गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, प्र, ज्ञा, श्र। ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ, प, श और आ के योग से बना होता है। इसके कुछ उदाहरण कक्ष और अक्षर। त्र, त्र, त, र और आ के योग से बना होता है। इसके कुछ उदाहरण पत्र और इत्र। ज्ञा, ज्ञा, जा, ज्ञा और आ के योग से बना होता है। इसके कुछ उदाहरण यज्ञ और ज्ञान। श्र, श्र, स, र और आ के योग से बना होता है। इसके कुछ उदाहरण श्रम और आश्रम। ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको नीट एंड क्लीन वर्क हिंदी की कॉपी में करना है। ओके।